जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार के विभागों के साथ साथ अब जो बिहार का आयोग है वो भी बदनाम होते चला जा रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से बिहार के सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई शुरू की जाए, नहीं तो BPSC जैसा भी आयोग यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। क्योंकि देखिए, पहले तो BSEB ही यहाँ पर जो है लिस्ट जारी कर देता है, और ये लिस्ट पता नहीं कैसे बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद छात्रों से पैसे वसूली शुरू हो जाती है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जहां पर BSEB से आए हुए इस मेरिट लिस्ट के, है ना, ये मेरिट लिस्ट है जिसमें कि जो छात्र फेल हैं उनका ये लिस्ट है। अब उन छात्रों को उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप किया जाता है और कहा जाता है कि अगर आपको यहाँ पर STET परीक्षा में, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में पास होना है, तो आप हमें 20,000 रुपये दीजिए। तो ये चीज़ें तो अभी तक शिक्षा विभाग में चल रहा था, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो है देखेंगे आप यहाँ पे, तो आज की खबर दैनिक भास्कर में इसका एक अपडेट दिया गया है। अब इसमें जो है BPSC की तरफ से भी एक लिस्ट जारी किया गया है जिनमें छात्रों का फेल होने का लिस्ट है ये, और उन छात्रों के मोबाइल नंबर यानी कि उनके डेटा भी लीक किए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर उनको कॉल करके जो है उनका रोल नंबर और उनका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर बता के उनको कहा जा रहा है कि आप फेल हैं और आप हमें 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का डिमांड हो रहा है, तो इतने पैसे देंगे तो आपको यहाँ पर BPSC का शिक्षक बनने में हम मदद करेंगे। अब इस चीज़ को लेकर जो है छात्र उग्र हो रहे हैं, छात्र मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस चीज़ को बंद किया जाए। अगर ये चीज़ें ऐसी होती रहीं तो किसका विश्वास रखेंगे वो, किस आयोग का विश्वास? शिक्षा विभाग तो ऐसे कई बार, पिछली बार भी ऐसा लिस्ट जारी आया था और इस बार भी आ रहा है, और अब BPSC जैसा आयोग भी अगर ऐसा करेगा या BPSC आयोग से भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? जो मेरिट वाले छात्र हैं ये वो तो फिर उनको भरोसा ही नहीं रहेगा, उनको तो लगेगा कि हमारी जगह पर किसी और का अब सिलेक्शन हो रहा है। तो आयोग से, सरकार से हम दोनों से विनती करेंगे कि आप लोग जो है इस पे संज्ञान ले जल्द से जल्द और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए कि आखिर कौन कर रहा है। या तो इस विभाग में, आयोग में बैठा हुआ कोई अधिकारी है जो ऐसे काम करवा रहा है, या तो ऐसे कोई कर्मचारी हैं जिनके पास ये डेटा रहते हैं। अगर ये डेटा सही है और ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर सिस्टम में ही सेंध लग जाएगा और सेंधमारी सिस्टम में ही चलेगा तो ये कैसे चलेगा? फ़ोन करके खुद पैसे मांगे जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, पेपर लीक नहीं करवा सके तो डेटा लीक करवा दिए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आंसर की जारी अभी तक नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, कट ऑफ के ऊपर भी आते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एक खबर और चल रही है यहाँ पर, जैसे कि आपको बता दें कि कट ऑफ को लेकर, यहाँ पर कट ऑफ बताकर गुमराह तो नहीं कर रहे हैं संचालक? अब यहाँ पर सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, वो मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आते हैं और चुनाव परिणाम के पहले एग्जिट पोल दिए जाते हैं उस पर बैन लगा था, है ना, लगा था ना अभी, तो उसी तरह अब ये जो छात्रों की मांग है कि रिजल्ट को भी लेकर पहले कट ऑफ बताने वाले पर रोक लगाया जाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी देखिए, कट ऑफ का खेल जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो बहुत सारे शिक्षक जो हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पटना के टीचर हैं या भागलपुर मुजफ्फरपुर के जैसे शिक्षक हैं जिन्होंने कट ऑफ बताना शुरू कर दिया कि इतना कट ऑफ जाएगा और इतना मार्क्स आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो वैसे में अभ्यर्थियों को शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ का जो खेल है वो आयोग से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि विभाग से भी, जहां रिजल्ट आने वाले हैं उससे भी जुड़ा हुआ है कि कट ऑफ को ज़्यादा हाई बताकर यहां पर चीज़ों को रखा जाए और अंदर ही अंदर यहां पे कम मार्क्स वाले छात्रों का सेटिंग करके उनका सिलेक्शन दिलवाया जाए। तो पेपर लीक के बदले डेटा लीक हुआ और अब यहाँ पर जो है कट ऑफ के बदले जो है आपका रिजल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ों को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं, तो सरकार से, आयोग से फिर से विनती करूंगा कि इस पे भी आप संज्ञान लीजिए। और परीक्षा संपन्न होने के एक सप्ताह के बाद, अभी तक जैसे कि आप लोगों ने रिजल्ट का आंसर, जो क्वेश्चन पेपर का जो आप लोगों ने एग्ज़ाम लिया है उसका आंसर की नहीं दिया गया और ना ही अभी तक OMR जारी हुआ है और ना ही आंसर की। तो एक तरफ आंसर की को लेकर अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान और यूट्यूब पर भी, क्योंकि क्या है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कट ऑफ तो बता ही रहे हैं, लेकिन उनमें से देखिए सभी शिक्षक जो हैं ऐसे नहीं हैं जो कि
ऐसी चीज़ें करवा रहे हो, कोई शिक्षक ऐसे भी हैं जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे उसका जो है उनको आइडिया है कि हाँ इतना कटअप जाएगा, तो उस चीज़ को लेकर बता भी रहे हैं। तो सभी शिक्षकों पे नहीं और सभी यूट्यूबर्स पे नहीं ये आरोप लगाया जा रहा है, ये ऐसे कोचिंग संस्थानों को बताया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, जो कि बार बार कटअप बता रहे हैं, और ऐसे यूट्यूब को भी टारगेट किया गया है जो कि कटअप बताकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, और अभ्यर्थियों ने ऐसे कोचिंग संस्थान और यूट्यूबर को बैन करने की मांग भी कर डाली है। तो ये एक खबर है दोस्तों यहाँ से, और आपको सतर्क रहना है, ये नसीहत दी जा रही है आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, है ना। और मैं आपको एक चीज़ कल भी बोल रहा था, है ना, कल भी अपने एक वीडियो में बोला था कि कट ऑफ क्यों जानना चाहते हैं आप लोग। आप लोग जो परीक्षा दिए हैं, एक तो ध्यान में रखिएगा, जिस भी क्लास का परीक्षा दिए, सपोज़ मान लीजिए कि आपने 1 to 5 का भी एग्ज़ाम दिया है, तो 1 to 5 में कितना कट ऑफ जा रहा है, आपने कितने सही उत्तर किए हैं, आंसर की का इंतज़ार कीजिए। और चूंकि क्या है कि अभी आयोग यहाँ पर या विभाग जो है, शिक्षा विभाग जो है, 65% और 50% के आरक्षण को लेकर जो है थोड़ा सा अभी चिंतित है इस चीज़ को लेकर, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर की भी नहीं जारी किया जा रहा है, ठीक है। आंसर की भी जारी अगर कर देता आयोग यहाँ पे, तो कोई कुछ ना कुछ तो छात्रों के मन में दिमाग में आता कि हाँ मेरे इतने उत्तर सही हो रहे हैं, मैंने इतने उत्तर सही किए हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा इतना मार्क्स आ सकता है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब उसमें विलंबता हो रही है तो रिजल्ट में भी विलंबता होगी, और रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक ये कटअप का खेल चलता रहेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे चीज़ें कि कब तक आ जाएंगी रिजल्ट वगैरह, तो इसको भी लेकर एक आज गोपालगंज का हिंदुस्तान खबर का न्यूज़ है, ये भी आपको दिखला देना चाहते हैं कि एक रिजल्ट को लेकर, यानी कि परीक्षा का परिणाम को लेकर अगस्त में आपका रिजल्ट आ सकता है, है ना। तो इसी अगस्त में आपका रिजल्ट आ सकता है। अब आपको बता दें कि BPSC की तरफ से तीसरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट अगले महीने यानी कि अगस्त में जारी होगा, और आयोग के अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर जारी आदेश के अनुसार ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के पूर्व आयोग के द्वारा जुलाई महीने में ही TRE3 का आंसर की भी जारी किया जाएगा, जिससे कि संबंधित अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। अब देखिए आज 30 जुलाई है, है ना। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आप लोग का आंसर की आ जाएगा। अब लगभग आपको एक हफ्ता और वेट करना होगा यहाँ पर, है ना, कि आपका आंसर की और OMR यहाँ पे आप लोगों का दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ सकता है। अगस्त बोला जा रहा है यहाँ पर रिजल्ट की, अगस्त में रिजल्ट दिया जाएगा। तो अभी मुझे लगता है जहाँ तक कि ये रिजल्ट आपका अगस्त में ना आकर सितंबर में जा सकता है, ठीक है। ये सितंबर में कैसे जाएगा उसके पीछे भी कारण है, चूँकि जो आरक्षण वाले मामले को लेकर यहाँ पर कल एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसमें बोला गया है कि सितंबर तक जो है अगली सुनवाई होगी, और सितंबर की ये फर्स्ट वीक में भी हो सकता है और सेकेंड वीक में भी हो सकता है, जब भी डेट आपको मिलेगा उस चीज़ को लेकर तब वहाँ पर आपका जो है इसका सुनवाई होगा। तो सितंबर तक भी आपका जा सकता है, लेकिन आयोग यहाँ पर एक चीज़ कर सकता है कि अपना रिजल्ट जो है वो 50% आरक्षण के साथ जो है जारी कर दे, ठीक है। अपना 50% रिजल्ट के साथ यहाँ पर अगर रिजल्ट जारी कर देता है, और जब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उन्होंने कहा कि जो 65% वाला आरक्षण अगर वो सही है, तो उस आधार पे जो है यहाँ पर आपका और भी सीट बढ़ाकर छात्रों का सिलेक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, और मान लीजिए अगर 50% सीट आरक्षण को लेकर यहाँ पर आपका रिजल्ट दे दिया गया, अब छात्र को पता हो गया कि हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनमें नुकसान होगा जनरल कैटेगरी के छात्रों का। जनरल कैटेगरी के जो छात्र यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर 65% वाला आरक्षण लागू कर दिया गया, तो जनरल कैंडिडेट के कुछ रिजल्ट काट लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि 65% आरक्षण होगा जहाँ पे अन्य कैटेगरी वाले छात्रों का, तो उसमें भाई 50% पे आप रिजल्ट दे देंगे, 50% पे रिजल्ट दे दीजिएगा अगर आरक्षण वाले मामले में, ज़्यादा छात्रों का सिलेक्शन होगा जनरल वालों का, और जब 65% पर दीजिएगा तो छात्रों का कम सिलेक्शन होगा जो जनरल में है। तो ऐसी स्थिति में जिन छात्रों का फिर डिसक्वालिफिकेशन होगा या डिस यहाँ पर अगर सिलेक्शन होगा, तो उसमें जनरल छात्रों के भी छात्र जो होंगे वो ऊपर जाके केस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकता है, इसलिए रिजल्ट जो है अगस्त में जारी किया जाएगा ऐसा सूचना है, लेकिन ये अभी सितंबर तक आपका रिजल्ट आने का संभावना है मेरे अनुसार, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ इन सभी चीज़ों को। और BPSC की तरफ से जो है अपडेट आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण जो जारी करने के अनुसार यहाँ पे तैयार किया जाएगा रिजल्ट यहाँ पे,
ये गड़बड़ी हो सकती है इस तरह की, है ना। तो नुकसान जनरल कैटेगरी के छात्रों का हो सकता है, जिसमें कि अगर रिजल्ट दे दिया जाता है पहले तो, इस आदेश के पहले तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि हमने अब तक साझा किया है। और TRE3 का आंसर की जो है वो आपको अगले हफ्ते जारी हो सकता है, और BPSC की वेबसाइट पे आपको इसको देख सकते हैं। और इसमें जो है OMR की बात हो रही है, वो भी आपका जो है आपको अगले हफ्ते यानी इसी हफ्ते के बीच में जो है 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में जो है आपको देखने को कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक सूचना है दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से। और कुछ सूचनाएं और थी जो कि शिक्षा विभाग से थी, जैसे कि आप लोग अपना, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, है ना, रात वाला वीडियो देख लीजिएगा, जहां पे आप लोगों के लिए रिजल्ट जारी हो जाएगा 30 जुलाई से, यहां पे आपका आज से। तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो है प्रधान और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए अपडेट है, जहाँ पर ITI का ये रिजल्ट जो है आपका भाषा परीक्षा का इसका दिया जा रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय जो कि परीक्षा हुई थी 2024 का, उसका परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। एक तो ये खबर थी, और इसके अलावा देखिएगा तो एक खबर ये है जो कि मैंने आपको बताया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा जो है विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो है नियम 4 के अनुसार जो भी आपका सक्षमता परीक्षा 2 होने वाला है वो 23 अगस्त से होने वाला है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया है, और इसका भी CBT परीक्षा होगा। और इसके लिए आप जो है प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट है ना लगा सकते हैं प्रैक्टिस के तौर के लिए, है ना। ये BSEB का ऑफिशियल वेबसाइट है, sakshamtaparikshaa.com, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये भी सूचना मैंने आपको कल दिया था। और एक रिजल्ट और आ रहा है बिहार स्पेशल, जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको लेकर। इसका 23 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 24 फरवरी को CBT के तौर पर, और आज इसका रिजल्ट यहाँ पर लिंक डाल दिया गया है, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जितने छात्रों का रिजल्ट होगा उन अभ्यर्थियों को CRR नंबर जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा वैध अंकित रहेगा। अगर नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थियों को परीक्षा फल अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात अगर किसी अभ्यर्थी को RCI के द्वारा निर्गत CRR नंबर में विसंगति पाई गई तो संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा फल भी अमान्य कर दिया जाएगा। तो ये सूचना है यहाँ पर जो कि BSEB की तरफ से ऑफिशियल तौर पर अब दे दिया गया, जो कि मैंने आपको कल इसका एक वीडियो बना के भी अपडेट किया था। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। जय हिंद।